ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम जीपैट। ऐसे कौन से न्यूमेरिकल्स है जो जीपैट में हमेशा हर साल आते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी फोकस पे रखेंगे। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वो न्यूमेरिकल्स हमेशा ही अटेम्प्ट करने हैं कि कोई सिलेक्टिव केसेस में अटेम्प्ट करें। सो वन थिंग इज दैट फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स हर साल आ रहे हैं। जैसे हमेशा कहीं ना कहीं पे एलिगेशन के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आई होप यू रिमेंबर सुटिक्स वाला एलिगेशन। अगर वो एलिगेशन के न्यूमेरिकल्स लेट्स से जीपैट में नहीं रहे, जस्ट वन एग्जांपल, जीपैट नहीं तो नाइपर में रहेंगे, नाइपर नहीं तो आईसीडी में रहेंगे, उसमें नहीं तो बिट्स में रहेंगे, उसमें नहीं तो मनीपर। इन सम ऑफ द अदर एंट्रेंस दिस न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पेपर, नॉट ओनली एलिगेशन मेथड बट अलॉन्ग विद एलिगेशन मेथड। हर साल इनका फेवरेट एरिया कहीं ना कहीं पोसोलॉजी के अराउंड रहता है। पोसोलॉजी वही अपना चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, एडल्ट डोज कैलकुलेशन। वो पोसोलॉजी का कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, इट कैन बी एज सिंपल एज यंग्स फॉर्मूला, इट कैन बी एज डिफिकल्ट एज मे बी क्लार्क फॉर्मूला, शायद आपने सुना होगा। यानी तो जितने भी अलग अलग फॉर्मूलाज है फ्रॉम पोसोलॉजी फॉर न्यूमेरिकल्स, दोज आर सपोज टू बी डाटा। एलिगेशन और पोसोलॉजी वाले तो ईजी है ऑन सेम ग्राउंड। एच एल बी के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी है, पाँच अलग फॉर्मूलाज है एच एल बी के न्यूमेरिकल्स के लिए। यू विल फाइंड इट इन द बुक ऑफ मार्टिन। अगर नहीं किया है देन कवर अप दिस एज वेल। नेक्स्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स जो फिजिकल फार्मेसी और सुटिक्स को छोड़ के एनालिसिस को बिलोंग करते हैं और जिसके इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट एनालिसिस न्यूमेरिकल्स, वन ऑफ द वेज वेयर यू माइट गेट कंफ्यूज्ड इज योर यूवी। यस, यूवी के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वुडवर्ड फाइजर के, अगर आपने स्ट्रक्चर बराबर आइडेंटिफाई कर लिया, इफ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसेस एंड ऑल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एंड ऑल, तो वुडवर्ड फाइजर इजीली निकल जाएगा। अदरवाइज दिस विल बी अ टफ बुक। अलॉन्ग विद वुडवर्ड फाइजर द अदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच वी यूजुअली हैव फ्रॉम एनालिसिस बिलोंग्स टू आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर में से डेल्टा के शिफ्ट बहुत रेयर क्वेश्चंस है, डेल्टा केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज एंड ऑल। ये क्वेश्चन ज्यादातर हमेशा नाइपर का पार्ट रहा है, वेरी रेयर विद जीपैट। बट सिंस वी आर ऑब्जर्विंग सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, अर्लियर ईयर के नाइपर के क्वेश्चन जीपैट के पेपर का पार्ट होते जा रहे हैं। So let's be ready for that as well. In order to practice such questions or get such information, we are running a free WhatsApp group. So if you want to be a part of that free WhatsApp group, just WhatsApp onto this number 8433830815. The same number ye video ke title mein bhi hai, description mein bhi hai. In this free WhatsApp group, we are posting daily free videos which are going to be about different entrances, their dates, when is the list going to come out, also other than that important topics which are required for entrance. Coming back to our topic, NMR के जो भी numericals हैं basics वाले, even that needs to be taken care of. Other than NMR and UV spectroscopy from analysis, एक double bond equivalence जिसको DBEB बोलते हैं, इसके ऊपर के questions हमेशा favorite रहे, especially till the year 2021. तो ये जो DBE के around के questions हैं, even those needs to be done, straightforward formula, just input the value and calculate how it is supposed to be done. अब मैं initially बोल रहा था कि जब भी सारे के सारे numericals के questions आते हैं, एक चीज तो है कि न्यूमेरिकल्स के जब क्वेश्चन आते हैं, द चांसेस आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइदर यू गेट एंटायर 4 मार्क्स और यू लूज एंटायर 4 मार्क्स, देयर इज नो मिडल। चांसेस ऑफ यू गोइंग रॉन्ग आर नेग्लिजिबल। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर ऑप्शन में है, दैट्स हाउ थिंग्स गेट टू। सो लेट्स सी कि कौन से स्टेज में वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कि नहीं करना, हम वो डिसाइड करें। याद रखना, जीपैट में न्यूमेरिकल्स में ना ही हमको लॉग बुक मिलने वाला है और ना ही हमको कैलकुलेटर मिलने वाला है। ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन। आई टेल यू व्हाई। आपको अभी नहीं लगेगा कि अरे लॉग बुक नहीं, कैलकुलेटर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आई डू सम अप्रॉक्स कैलकुलेशन। डोंट फॉरगेट जीपैट 21 में और एक टाइप का न्यूमेरिकल आया था विच वॉज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा रहेगा कि भाई बेसिक से क्या क्वेश्चन आते हैं 25% ऑफ योर पेपर, देन वहाँ पे मैंने वो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स एज अ टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते। तो होता क्या है, लेट्स से इफ देयर इज अ न्यूमेरिकल जिसमें मुझे कुछ कैलकुलेट करने को बोला गया है, लेट्स से कुछ एक एक्स वाई जेड क्वेश्चन। अब पहली बात, जैसे हम लोग हमेशा से बोलते आए, इन एनी क्वेश्चन, नॉट ओनली जीपैट, नहीं पर एसीटी, बिट्स, मणिपुर, कल आप जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन लिखोगे वो भी, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के वहीं पर मत रुको। योर क्वेश्चन डजंट एंड ऑन क्वेश्चन, योर क्वेश्चन एंड्स ऑन 4 ऑप्शंस। रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स में लॉग बुक और कैलकुलेटर मेरे पास दोनों नहीं है। अगर चारों ऑप्शन कुछ इस तरह वाइड है, एक ऑप्शन है 70, एक ऑप्शन है 88, एक ऑप्शन है 175, एक ऑप्शन है 544, समझो ये सारे के सारे ऑप्शन एक दूसरे से दूर है, मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन भी करूँगा तो भी मैं राइट आंसर पर कंक्लूड कर पाऊँ।
बट इमेजिन अगर ये चारों के चारों ऑप्शन 70, 80, 175, 544 के बदले 70.5, 70.8, 69.6 और 71.2 अगर वो इतने क्लोज ऑप्शन है ना, ये न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग में टच मत करो. आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में टच मत करना. आई होप यू रिमेंबर पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना. थर्ड राउंड के टाइम पे हम लोग इक्वेशन को डिटेल में जाएंगे, आराम से एक एक नंबर स्पेसिफिकली इनपुट करके विल कैलकुलेट विदाउट लॉग बुक एंड कैलकुलेटर. रिमेंबर वी कैन नॉट डू अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर सिंस द वैल्यूज आर वेरी क्लोज. अगर आप जी पार्ट 2017 का क्वेश्चन ले तो दो पेपर उठाते, एक जी पार्ट 2017 का पेपर उठाते और एक जी पार्ट 2021 का पेपर उठाते. तो आपको दो इंस्टेंसेस बता रहे हैं. जी पार्ट 2017 में फोसियोलॉजी पे क्वेश्चन था, चाइल्ड डोज दिया था, मान लो 800 mg दिया, सॉरी एडल्ट डोज दिया था और मेरे को चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना बोला था. ठीक है, एडल्ट डोज दिया मेरे को 800 mg, चाइल्ड डोज मुझे कैलकुलेट करने बोला गया. जो ऑप्शन था दैट वॉज 900, 950, 1050 एंड लेट्स से एक ऑप्शन वॉज 750. अब अगर मुझे एक बेसिक चीज पता है दैट चाइल्ड डोज इज ऑलवेज लेस देन एडल्ट डोज, चाइल्ड का डोज हमेशा एडल्ट के डोज से कम होता है, एडल्ट का डोज 800 mg है, चाइल्ड डोज उससे कम होना है, मतलब वो आंसर होगा जो 800 से कम हो. चारों ऑप्शन में 800 से कम वाला ऑप्शन सिर्फ यही है. दिस इज द आंसर. आई डोंट नीड टू कैलकुलेट, मुझे फॉर्मूला भी नहीं लगा. हाँ, 2017 में दो ऑप्शन थे जो 800 से कम थे, तो मेरे को वहाँ पे दो ही ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है. मेरे को लॉग बुक और कैलकुलेटर नहीं भी दिया तो भी मैं अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व कर सकता हूँ. बट इफ यू गोइंग द ईयर 2021 जब केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल आया था, अब देख लो 2021 का पेपर, दोस ऑप्शंस वर दिस क्लोज, 279.6, 279.4, 280.2, मतलब वो सारे के सारे ऑप्शंस एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज थे. इवन इफ यू गो रॉन्ग इन अप्रोक्सीमेशन द चांसेस ऑफ यू गोइंग रॉन्ग आर लो. अच्छा, वो फॉर्मूला भी इजी वाला नहीं था, वो अपना ये वाला फॉर्मूला था, 2.303 log to the base 10 t2 minus t1 upon t1 into t2. उसमें भी अभी आपको log का वैल्यू डालना है जब आपके पास log book ही नहीं. इसके लिए कुछ कॉमन लॉगरिथम वैल्यूज बाहर करके जाने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू ऑल द एंट्रेंसेस. लेट इट बी जी पार्ट 9 पर, आईसीटी बिट्स मनी पर, आपको log 10, log 20, log 30, log 50, log 40. 40 बहुत रेयर यूज होता है, बट ये कुछ कॉमन लॉगरिथम वैल्यूज है विद log 5. ये 5-6 के वैल्यूज बाहर करके जाने सो दैट वॉट एवर कम्स डाउन ओवर log ओवर ईयर यू कैन स्टिल सॉल्व. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन. मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.